अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज साथियों, डिजिटल स्कूल की जानिब से आज हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक अहम और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात जो हुकूमत महाराष्ट्र ने फिलवक्त पेश की है, उसके बारे में आपसे तबादले ख्याल करने के लिए हम आपके सामने पेश हैं। तो साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, COVID-19 की वजह से इस साल जमात अव्वल से जमात चहरुम तक के तलबा स्कूल में नहीं आ पाए। यानी स्कूलें तो बंद थी मगर मदारिस बंद थे, मगर तालीमी सिलसिला जारी था। पांचवी से लेकर आठवीं के तलबा स्कूल में आए थे, कुछ महीने के लिए सही, कुछ माह के लिए सही, मगर वो हमारे सामने आए थे। तो अब सवाल जो आता है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हुकूमत महाराष्ट्र ने सभी बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट करने का हुक्म जारी कर दिया है, यानी हर बच्चा अब अगली जमात में दाखिल किया जाएगा। तो इसके लिए हुकूमत महाराष्ट्र ने आज जो परिपत्रक जारी किया है उसके ताल्लुक से आज हम बात करेंगे। तो इसमें कुछ 9 मखसूस पॉइंट दिए गए हैं। पॉइंट्स स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते चले कि भले से स्कूल बंद थे, मदारिस बंद थे, मगर तालीमी सिलसिला जो था वो वक्तन फ़ौक्तन जारी था। यानी हमारे असातिज़ा बच्चों के तालीमी सिलसिले को जारी रखने के लिए अलग अलग तरह के वसाइल का इस्तेमाल कर रहे थे। व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल रूम, क्लासरूम, गूगल क्लासरूम और इस तरह के बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके, उसी के साथ हुकूमत महाराष्ट्र ने दूरदर्शन यानी नेशनल चैनल, टीवी चैनल पर भी कोई प्रोग्राम्स जैसे गिली गिली सिम सिम था, तो इस तरह के जो तालीमी प्रोग्राम थे वो शुरू किए गए थे, जिसकी वजह से भी तलबा को जो है वो तालीम से जोड़ा गया था या उन्हें स्कूल और तालीम से जुड़े रहने के लिए या जोड़े रखने के लिए हमने मुख्तलिफ वसाइल का इस्तेमाल किए थे। तो आज वक्त ये आ गया है कि उन वसाइल का इस्तेमाल करके जिस तरह से हमने तलबा को तालीम दिए थे या तलबा तक तालीम को पहुँचाया था, आज उन्हीं मुकार और उन्हीं वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हमें कद्र पैमाई का काम अंजाम देना है। अब हर साल हम कद्र पैमाई को 2 तरीक़ों से अंजाम देते हैं। एक रहती है तश्कीली कद्र पैमाई और दूसरी मजमूई कद्र पैमाई। तश्कीली कद्र पैमाई पूरे साल जो कद्र पैमाई होती है उसे कही जाती है, और अमली कद्र पैमाई जो कि सेमेस्टर के आखिर में यानी मीकात के आखिर में जो हम इम्तिहान लेते हैं तहरीरी और ज़ुबानी, उसे कहा जाता है। आप हम ये बात जानते हैं कि इस साल तो अमली कद्र पैमाई होना नामुमकिन है और हुकूमत ने भी इसके ताल्लुक से कह दिया है कि आप कोई एग्ज़ाम नहीं होनी है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई इम्तिहान नहीं होगा। तो आप कद्र पैमाई या हम मार्क्स किस पर देंगे? सबसे बड़ा जो इस वक्त हमारे जहन में चलने वाला मुद्दा है या कन्फ्यूज़न है, वो सबसे बड़ी यही है कि अब हमें मार्क्स किस तरह से देना है या बच्चों को प्रमोट किस तरह से करना है। तो साथियों, उसके लिए हुकूमत महाराष्ट्र ने हमें कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो तश्कीली कद्र पैमाई के लिए जो वसाइल इस्तेमाल किए थे, यानी कि तालीमी साल 2020-21 में असातिज़ा ने मुख्तलिफ वसाइल का इस्तेमाल करके, यानी साधन तंत्र का इस्तेमाल करके तलबा को तालीम दी थी। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने इन वसाइल का इस्तेमाल करते हुए अपनी तश्कीली कद्र पैमाई या अपनी तश्कीली तालीम को मुकम्मल किया था, तो ऐसे बच्चों को फीसदी नंबरात देकर, यानी उनके नंबरात का फीसदी निकाल कर उसको ग्रेड देना है। जैसे कि हम हर साल ग्रेड देते हैं A1, A2, B1, B2, C1, C2, तो इसी तरह से इस साल भी ग्रेड देना है। मगर जैसा कि हम पिछले साल ग्रेड दिया करते थे, जिसमें आकारिक और संकलित 2 मूल्यमापन हुआ करते थे, यानी तश्कीली कद्र पैमाई और अमली कद्र पैमाई, इन दोनों को मिलाकर हम ग्रेड दिया करते थे, मगर इस बार ऐसा नहीं है। इस बार हमें टोटल यानी फीसदी नंबरात जो है वो किस पर डिपेंड करते हैं? हमारे तश्कीली कद्र पैमाई पे करते हैं, यानी कि आकारिक मूल्यमापन पर करते हैं। तो तश्कीली कद्र पैमाई की जांच करते हुए 100% नंबरात का तायुन करके हमें उसमें से ही बच्चों को ग्रेड देना है। अब जब आप ये ग्रेड देंगे, उसी बच्चे को ग्रेड दिए जाएंगे।
बच्चे को ग्रेड दिए जाएंगे। जो बच्चा ये काम मुकम्मल कर रहा था यानी ऑनलाइन जिसने अपना तालीमी सिलसिला जारी रखा था उसे ग्रेड देकर अगली क्लास में मुंतकिल करना है। अब दूसरा पॉइंट इसमें यह रहेगा कि फिर जो बच्चा ऐसा जिसने ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से तालीमी सिलसिला जारी नहीं रखा था तो उस बच्चे के ताल्लुक से आपको क्या करना है। तो साथियों ऐसे बच्चे को भी आपको अगले क्लास में प्रमोट करना है यानी उसका दाखिला भी अगली क्लास में करना है और उसके लिए हमें रिमार्क लिखना है जो कि हम जानते हैं 2009 का आरटी एक्ट 2009 के तहत मुफ्त और लाजमी कानून का हक यानी इस कानून के हक के तहत दिफा 16 के तहत बच्चे को अगली क्लास में प्रमोट करना है। और इसके अलावा कोई भी रिमार्क बच्चे के लिए हमें लिखना नहीं है। अब उसके बाद अगला पॉइंट जो आता है कि हम कद्र पैमाई करने के बाद C2 के नीचे वाला जो तालिबे है C2 के नीचे आने वाला जो तालिबे है उसके ताल्लुक से हमें क्या करना है। तो साथियों उसके ताल्लुक से हुकूमत महाराष्ट्र के मुताबिक हमें उसे परमोट तो करना है अगली क्लास में, मगर तालीमी साल जब नया तालीमी साल शुरू हो जाएगा तब उस बच्चे की साबिका जमात यानी अगर बच्चा अव्वल जमात में है तो जब वो प्रमोट करेंगे तो वो दूसरे साल में चला जाएगा, दूसरी जमात में चला जाएगा। तो बच्चा जब दूसरी जमात में अगले तालीमी साल में आएगा उस वक्त हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जमात अव्वल के जो तदरीसी महासिल थे उसका तायुन उस बच्चे में करवाना ये असातिज़ा की जिम्मेदारी है। तदरीसी महासिल की मुकम्मल तश्कील करना ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है यानी असातिज़ा की ये जिम्मेदारी है कि किसी भी तालिबे इल्म का किसी भी तरह से कोई नुकसान न होना पाए। बच्चा अगर 7वीं में है, इस साल 7वीं में है और वो किसी तरह से किसी ऑफलाइन ऑनलाइन तदरीसी वसाइल से वाबस्ता नहीं था और या फिर C2 से कम जिसका ग्रेड आ गया है उसे भी आपको अगली जमात में प्रमोट करना है यानी अगली जमात में दाखिल करवाना है। मगर जैसे ही नया तालीमी साल शुरू होता है बच्चा स्कूल में आते साथ इब्तदाई दिनों में उस बच्चे को साबिका जमात की तदरसी महासिल की मुकम्मल तश्कील करवानी असातिज़ा की जिम्मेदारी है यानी साबिका जमात की जो मालूमात है हमें उस बच्चे तक पहुँचाना है या उस बच्चे को उस सतह तक लाना है जो सतह उसकी पिछली जमात में थी और उसके बाद हमें अगली जमात की तरफ से लाना है। उसके बाद जो पॉइंट है वो ये रहेगा कि भले से हमने बच्चे को प्रमोट कर दिया है मगर हर साल की तरह इस साल भी असातिज़ा का जो तहरीरी काम था यानी तलबा का रिजल्ट मेंटेन करना, उसका प्रोग्रेस कार्ड बनाना, उसके बाद नोंद वही तैयार करना यानी जिसमें जमात मजामीन के ताल्लुक से तलबा के रिमार्क लिखे हुए होते हैं ये मुकम्मल करना, बर वक्त मुकम्मल करना नहायत ही ज़रूरी है। उसी के साथ संचयी नोंद पत्रक जिसे हम फोटो फाइल भी कहते हैं इसका भी मुकम्मल होना ज़रूरी है यानी हमें अपना रिकॉर्ड पूरा वक्त पर मेंटेन करना है। इसी के साथ में जो दिगर वसाइल दिगर तहरीरी रिकॉर्ड है उनको भी हमें मुकम्मल करना है। आकारिक मूल्यमापन जिसमें कि जैसे कि हम जानते हैं हर साल जो हम करते हैं आकारिक मूल्यमापन यानी तश्कीली कद्र पैमाई जिसमें पॉइंट्स रहते थे 8 पॉइंट्स रहते थे कुल जिसमें दैनंदिन निरीक्षण यानी रोज़मर्रा का तलबा का मुशाहिदा, उसके बाद जुबानी काम ओरल वर्क, उसके बाद प्रतीक्षित प्रयोग यानी तजुर्बात मुजाहरे और उपक्रम यानी कृति सरगर्मियाँ और प्रोजेक्ट, तहरीरी जांच बच्चे की, स्वाध्याय जैसे कि हम स्वाध्याय हुकूमत महाराष्ट्र ने भी स्वाध्याय का काम शुरू किया था हम सब जानते हैं और हमने बच्चों से स्वाध्याय करवाया भी है। उसी के साथ इसके अलावा भी अगर आपने कोई और काम करवाया है बच्चे से तो उसके ताल्लुक से भी आपको इसमें एंट्री करनी है और नंबर देकर बच्चे को ग्रेड देना है। ऑनलाइन के ज़रिए यानी मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए हमने तलबा से कभी कोई प्रोजेक्ट बना कर लिया है, सरगर्मियाँ बना के ली थी अलग अलग और स्पेशल डेज के ताल्लुक से जैसे साइंस डे था उस वक्त हमने बच्चों को तजर्बा
शुरुआत करने के लिए कहे थे। उसी के साथ ज़ुबानी काम यानी हमने नज़्म खानी का मुकाबला लिया, स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन लिया था, उसके ताल्लुक से हम मार्क्स दे सकते हैं। रोज़मर्रा का मुशाहिदा जो है उसमें हम तलबा का डेली आने वाला वर्क है, हम डेली बच्चों को काम दे रहे थे, ऑनलाइन रहे, ऑफलाइन रहे, यानी यूट्यूब के माध्यम से दे रहे, व्हाट्सएप के माध्यम से दे रहे, या जूम मीटिंग के ज़रिए हम कोई काम ले रहे हैं, तो ये इसके ज़रिए हम मुशाहिदा करके तलबा को मार्क्स दे सकते हैं या ग्रेड दे सकते हैं। उसी के साथ तहरीरी जांच यानी हमने बच्चों को ऑनलाइन अगर कुछ लिया था तो उसकी तहरीरी जांच भी करनी है और उसको मार्क्स देने हैं स्वाध्याय में देने। ये बताए जाने वाले परिपत्रक में बताए जाने वाले तमाम उसूल और जवाबित हुकूमत महाराष्ट्र के तहत चलने वाली तमाम सरकारी गैर सरकारी यानी निजी स्कूल्स इन सभी पर लागू होता है और इन सभी स्कूलों का ये फर्ज है और ये लाजमी है कि इन उसूलों पर अमल किया जाए और हम सबकी जिम्मेदारी है कि मदारिस तो बने मगर तालीमी सिलसिला जारी था और हमने हमारी तरफ से पूरी मेहनत की है, तो जितनी ईमानदारी से हमने मेहनत की है हमें उसी तरह से अब रिजल्ट का काम करना है, यानी बच्चों को प्रमोट करना है तो किस तरह से करना है ये हमने आपको बता दिया है। उसी के तहत अभी हमको अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है और जैसे बच्चा नए तालीमी साल में आएगा हमारे पास तो हमारी सबकी ये जिम्मेदारी है कि बच्चे का जो पिछले साल नुकसान हुआ है, तालीमी नुकसान हुआ है, हम उसे मुकम्मल करने की या हमें उसको उस साबिका मालूमात को देते हुए नए तालीमी साल के तालीमी निसाब के सतह तक लाना ये हमारी जिम्मेदारी है।